हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फायर्स के अंदर जो NFO ऑर्डर होते हैं, या सॉरी ऑप्शन फ्यूचर और M6 ऑर्डर होते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर ये क्विक वीडियो है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको ऑर्डर वगैरह लगाने आते हैं, बट आप MCX के अंदर ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर ऑर्डर नहीं लगा पा रहे। तो एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने एपीए वगैरह सब कनेक्ट कर रखी है, बस आपको सेंटेक्स कैसे बनाने, ऑर्डर कैसे लगाने। तो जैसे कि ये हमारी वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेंटेक्स पेज को ओपन कर लेंगे, जिस तरीके से आप नॉर्मल ऑर्डर लगाते हो कैश मार्केट वगैरह में। और आपको डबल क्लिक करना है इस अपने ब्रोकर पे, फायर्स पे, जिससे कि ये कोई भी आप ऑर्डर बनाते हो, हर ऑर्डर बनाने के बाद आपको डबल क्लिक करना है जिससे रीसेट हो जाए। उसके बाद अपने फायर्स अकाउंट में जाना है आपको। मैंने पहले से एपीआई कनेक्ट कर रखी है। यहां पर वो चार्ट खोलना है जिसके अंदर आप ऑर्डर लगाना चाहते हो। एज अ एग्जाम्पल के लिए मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। मैं एज अ एग्जाम्पल बैंक निफ्टी से ले लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी, और यहां पर मैं फ्यूचर में ये वाला फ्यूचर खोल देता हूँ। तो मैं इसमें ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। तो जैसे नीचे देखोगे अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले आपको इसका सिंबल चाहिए। अब ये सिंबल अगर आप खुद टाइप कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो आपको ये सिंबल चाहिए होगा, और ये सिंबल आपको यहां से नहीं मिलेगा। आपको ये सिंबल कैसे मिलेगा, आपको बाय पे क्लिक करना है, जो मैंने ट्रिक निकाल रखी है। आपके पास और कोई ट्रिक हो आप उसे भी यूज कर सकते हो। ये सिंबल है, ये वाला सिंबल। अब हम इसे कॉपी करना है, अभी इसे सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, इसे कॉपी भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे और यहां पर 1 रुपए डाल के इसे बाय करेंगे। जैसे हम 1 रुपए डाल के बाय करेंगे ना, ये ऑर्डर हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है जी, किसी भी तरीके से हमें रिजेक्ट करवाना है ऑर्डर, क्योंकि हमें एक सिंबल चाहिए। तो अभी हमें ये पता चल गया, ये रहा सिंबल। हमने इसे सेलेक्ट करा बी से लेके एफ तक और कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी से क्या होगा, ये कॉपी हो गया। अब हमने सिंटेक्स पे जाएंगे, यहां पर रेगुलर ऑर्डर लेंगे, सिंबल के अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया हमें इस चीज को टारगेट करना है। इधर आप NFO डालोगे, यहां पर आप इसकी लॉट साइज डालोगे, जो भी है 20 का लॉट साइज होता है आई थिंक। बाय क्लिक करोगे, मार्केट क्लिक करोगे, इंट्राडे क्लिक करोगे, जो भी आप जो भी बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, वो सारी चीजें बताओ करोगे। जैसे आप कैश मार्केट के लिए करते थे, जनरेट कोड कॉपी करा। हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे पहुंच जाते हैं। जो मेरा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है वो ये रहा। तो मैंने पहले से क्या कर रखा है, मैंने पहले से ही अपना वेबहुक URL ऐड कर रखा है। अगर आपने ऐड नहीं करा तो आप अपने, आज ये देखिए मैंने API भी कनेक्ट कर रखी है और वेबहुक URL भी पहले से ऐड कर रखा है। ये रहा मेरा वेबहुक URL। अगर आपको नहीं पता आपका वेबहुक URL कैसा होता है, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, लॉग इन करोगे पहले हमारी वेबसाइट को, इसके डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे आपका ये रहा वेबहुक URL। आप इस बटन पे क्लिक करोगे, आपका वेबहुक URL कॉपी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने पहले से क्लिक कर रखा है। तो मैं सेंटेक्स पेज पे जाऊंगा, और सेंटेक्स पेज मेरे को दिख नहीं रहा कहां पर, ये रहा। इस कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा, कोड कॉपी हो गया, इधर गया। इधर जाने के बाद अब एक ये नया अपडेट आया, इससे पहले नहीं था। अब आप है ना यही भी कर सकते हो कि आपको क्या करना है। जैसे एज अ एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं बैंक निफ्टी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने कि इस अलर्ट्स का नाम एक्स वाई जेड है, इंटर मारा और अपना कोड डाल दी। ये अभी अपडेट आया, इससे पहले ये अपडेट नहीं था कि आप एक्स वाई जेड या कुछ भी लिख सको। ये एक्स वाई जेड किस लिए लिखा हमने, जिससे कि हमें पता चल जाए ये फलाना ढिकाना अलर्ट्स है हमारा। तो एज अ टैग देने के लिए कि हाँ ये सलमान खान है, शाहरुख खान है, जो भी है, एज अ टैग दे दिया कि हाँ एज अ रेफरेंस हमें पता चले कि इसका क्या नाम है, क्रिएट कर दिया। तो अगर आप देखोगे यहां पर मेरा अलर्ट्स बन के आ जाएगा एक्स वाई जेड से। दिखा देता हूं, ये अपडेट पहले नहीं था, यहां लिखा हुआ मैसेज के अंदर एक्स वाई जेड। अब मुझे पता है कि हाँ भाई इस अलर्ट्स का नाम एक्स वाई जेड है। ऐसे 50 अलर्ट्स है तो आप पर्टिकुलर सबके नाम दे सकते हो, 1, 2, 3 या कोई भी नाम। अब मैं इसे टिगर कराता हूं आपके सामने। जैसे मैं इसे टिगर कराऊंगा, यहां पर टिगर होगा तो यहां पर अलर्ट्स आएगा। मैंने बीप बंद कर रखी है। अब मैं इधर जाऊंगा तो रिजेक्ट ऑर्डर की एक खासियत है फायर्स के अंदर, ये देखा है रिजेक्ट ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं, पर वो विदाउट रिफ्रेश करे शो नहीं होते, बैक एंड में रिजेक्ट हो गए। वैसे ऑर्डर लगाओगे वो विदाउट रिफ्रेश करे शो हो जाते हैं, बट रिजेक्ट ऑर्डर नहीं होते। तो मैं रिजेक्ट ऑर्डर के लिए क्या करता हूँ, इस पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूंगा यहां देखिए काउंट 2 हो गया। अभी काउंट 2 इसलिए हुआ है क्योंकि रिजेक्ट हो गया था। तो आपको पता चल गया होगा बैंक निफ्टी में ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इधर देख सकते हो, जो मेरा ये ऑर्डर आया है ये रिजेक्ट हुआ है 14:54:42। अगर मैं इधर जाऊंगा अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे तो ये यहां पर आया है 14:54:40। इसमें 2 सेकंड के अंदर मेरा ये टिगर हो गया। इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो। एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं, इधर गया टिगर कराया, टिगर कराते यहां पर अलर्ट्स आएगा, वेट करते हैं अलर्ट्स का। अलर्ट्स आया, इधर गए हम फायर्स पे और इधर हमने ये रिजेक्ट, हमें पता है ऐसे दिखेगा ही नहीं तो हमने करा, तो ये देखिए 3 काउंट हो गए। तो आई थिंक आपको पता चल गया। इसी की तरीके से M6 में जो लोग ऑर्डर लगाते हैं
M6 का दिखा देता हूं। यहां हम खोल लेते हैं क्रूड ऑयल जनवरी, ये हमारा क्रूड ऑयल खोल लिया है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, बाय करेंगे लिमिट ऑर्डर में ₹1 प्राइस डाल के, मतलब इन शॉर्ट हमें एक ऑर्डर रिजेक्ट कराना है, या आपने पहले बाय कर रखा हो तो ये सर्वर कनेक्शन एरर, अच्छा हो गया कनेक्शन एरर आया था, तो ये क्रूड ऑयल का ये आ गया, ये भी रिजेक्ट में हो गया, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। आप यहाँ देखोगे 4 ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। सेंटेक्स पे चलता हूँ। अब मैं सेंटेक्स पे फिर दोबारा से एक बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी ऑर्डर जनरेट करते हो, मैं तो एडवांस हूँ, आप एज अ बिगनर इस पे डबल क्लिक कर देना जिससे सारे जो सेंटेक्स हो रीसेट हो जाए। इस पे क्लिक करा, क्रूड ऑयल डाला, क्रूड में सी नहीं आया तो क्रूड ऑयल डाला। उसके बाद हमने यहाँ डाला एनएफओ, और एनएफओ डाल सॉरी एनएफओ नहीं, एमसीएक्स में आता है, एक एक क्वांटिटी लेना चाहते हैं, मार्केट में लेना चाहते हैं इंट्राडे। ये हमारा सेंटेक्स जनरेट, कॉपी करा, इधर गए। इधर जाने के बाद हम हॉरिजेंटल लाइन करेंगे, इधर हम फिर से कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी जो दिल कर रहा हो लिख देंगे, इंटर मारेंगे, ये डाला, और ये अब हमारा ये अलर्ट्स का नाम ये आ गया। ऐसे हमारे पास मल्टी अलर्ट्स होंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये अभी न्यू अपडेट है, आज ही करा है मैंने, इससे पहले ये टैग डालने वाला नहीं था। ये देखिए इधर टिगर हुआ, इधर चलते हैं रिफ्रेश मारते हैं, क्योंकि ये रिजेक्ट होगा, हमारे पास बैलेंस तो है नहीं, ठीक है जी, गरीब आदमी है तो बैलेंस है नहीं, इसलिए ये हम ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप यहां देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये 5वां ऑर्डर लग गया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एमसीएक्स के अंदर, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कैसे ऑर्डर लगाया जाता है। ऑप्शन का नहीं बताया, सेम ऑप्शन भी ऐसे ही है, ऐसे ही आपको ऑप्शन पे, जैसे मैंने 2 ट्रिक करी है वैसे ऑप्शन पे भी आपको उसका सिंबल कॉपी करना है और आपका काम हो जाएगा। पर अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो, रुको रुको मैं बता दूं, अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको वहां से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एसबीआई पे काम कर रहा हूं तो मैं एसबीआई यहां सर्च करूंगा तो एसबीआई सजेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होते। पर ऑप्शन और फ्यूचर के जो सिंबल है वो एवरी मंथ या एवरी वीक चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमें वहीं से कॉपी करने पड़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।